हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हमारे न्यू देसी रेसिपीज़ ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी मिर्ची होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जो अभी निकल के ही बाहर आया हो, उसकी एक रेसिपी बनाएंगे। तो वही आप लोगों से शेयर करेंगे। वो रेसिपी क्या है लास्ट तक आप देखना, तभी पता लगेगी। तो हमने यहाँ पे वो टहनियाँ तोड़ दिए थे, मतलब काट लिए थे, उसमें से फिर बैठे बैठे निकाल रहे थे छोटे छोटे से बच्चे बच्चे नन्हे नन्हे मिर्ची। आपको दिखाऊंगी मैं कितने नन्हे नन्हे से, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल नन्हे नन्हे से लेने। तो यहाँ पे हमने लिया, लेने के बाद सारे तोड़ लिए थे। तोड़ने के बाद फिर हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, धो लिया और लहसुन छील लिया था, मतलब ऑलरेडी हमारे पास छिला हुआ था, इसलिए हमने वो वाला वीडियो तो शूट नहीं किया कि हाँ लहसुन छील रहे थे। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया। फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद आपको लहसुन और मिर्ची डाल देना है। आप बिल्कुल नन्हे नन्हे से मिर्ची लेना, और अगर आप तीखा खाते हो तो एक दो उसमें रेड मिर्च ऐड कर देना, वरना वही मिर्च रहने देना। तो और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया। बाद में थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, आप हल्दी ऐसे डाल सकते हो, मर्जी है आपकी, क्योंकि हल्दी अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो हल्दी से थोड़ा दर्द वगैरह ठीक रहता है, तो उस करके हमने डाला था। तो ये देख सकते हो हमारा हो गया रोस्टेड। तो अगर आप तेल डालना चाहते हो तो एक या दो बूंद डालना, इससे ज़्यादा मत डालना, या तो नहीं डालोगे तो और स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर आता है और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा हो गया। अब हम इसे पता है क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे ऐसे, फिर उसी के साथ रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हो। यही रेसिपी थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि आप लोग पता नहीं खाते होंगे या नहीं, लेकिन शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, बताओ ये। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा हो गया है तैयार पीस के चटनी हमारी। तो आप ऐसे खा के एक बार देखना, फिर बताना। आप लोग जो बंदे तीखा ज़्यादा खाते हो ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रेसिपी होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने ना ज़्यादा बड़े वाले मिर्च भी डाल दिया था, इसलिए बहुत तीखा हो गया था। लेकिन आप लोग ऐसा करना, अगर आपके पास पेड़ रखा है घर पर, तो उसमें छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से वाले वो तोड़ना। वैसे तो मिर्च के पत्ते की भी रेसिपी होती है, लेकिन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अभी जो पेड़ हो रखे हैं ना, उसके पत्ते थोड़े से बुढ़े बुढ़े हो गए हैं, रेड रेड से। तो हम सोच रहे दोबारा से हम लगाएंगे पेड़, फिर जब उसके बच्चे बच्चे से बिल्कुल छोटे छोटे से निकलेंगे ना पत्ते, उस पत्तों का हम करेंगे रेसिपी बनाएंगे। मतलब अभी सही नहीं रहेगा उस पत्तों का। तो यहाँ पे ये देख सकते हो हमारा चावल, मिर्ची और आलू, और ये आलू और पालक की डंडी है, और ये छोले आलू है। तो आज की हमारी रेसिपी इतनी ही, आप लोग आ जाओ खाने, हम भी खाते हैं, भूख बहुत लग रही है। और ये मिर्ची की चटनी देख के तो मुंह में पानी आ रहा था, अब मेरे को बोलते बोलते भी मुँह में पानी आ रहा था। वैसे बहुत स्वाद बना था, थोड़ा सा तीखा ज़्यादा था, लेकिन चलेगा, चलता है इतना तो, क्योंकि बिना तीखे के तो हम खा भी नहीं सकते ना। लेकिन जो ज़्यादा तीखा खाते होंगे ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट है। चलो फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय।